दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य उन भारतीय महान शासकों में गिने जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। इनके इतिहास के बारे में देखें, इनके जन्म से रिलेटेड कुछ बातें यदि हम देखें, तो एक साधारण कुल और साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मणवादी परंपरा कहती है कि वे नंदों के रनवास में रहने वाली एक शूद्र महिला मूरा की कोख से पैदा हुए थे। हालांकि कुछ प्राचीन बौद्ध परंपरा कहती है कि मौर्य नेपाली तराई के पास गोरखपुर क्षेत्र के पीपहली वन के छोटे गणराज के क्षत्रिय वंश या शासक वंश के थे। तो आप देखते हैं, नेपाल की तरफ में हमें कुछ क्षत्रिय शासक देखने को मिलते हैं। उन्हीं के एक वंश में से माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और ये भी संभावना है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी कबीले से रहे हों, और इन्होंने हराया था नंद वंश को। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे खास बात ये रही थी उनकी सेना। इनके पहले नंद वंश हुआ करता था, नंद वंश से 3 गुना सेना इनके पास में हुआ करती थी। आखिर कैसे इतनी बड़ी आर्मी इनके पास थी, कैसे करके इनको इनका ये खर्चा उठाते थे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम आज जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की यदि हम बात करें, तो इनकी सेना में हमें घोड़े देखने को मिलते हैं, हाथी, कुछ घुड़सवार देखने को मिलेंगे, इसके अलावा पैदल सैनिक, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नौसेना। नौसेना के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने नौसेना की भी व्यवस्था करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की सबसे बड़ी खास बात इतनी बड़ी सेना का रखरखाव करना है। यूनानी लेखक प्लीनी लिखते हैं कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी थे। एक और सूत्र से ये पता चला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 8,000 रथ भी हुआ करते थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य ने एक नौसेना भी बनाई थी। मेगस्थनीज के अनुसार सशस्त्र बलों का प्रशासन 30 अधिकारी का एक बोर्ड करता था। इस बोर्ड को भी 6 भाग में हमने बांट दिए थे, 6 समिति में बांट दिए थे, मतलब एक समिति में 5 सदस्य हो गए। इसके अलावा इनका जो सशस्त्र बल है, इसके 6 अंग थे, जैसे सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना और परिवहन। मतलब यदि हम नंदों से इनकी तुलना करें ना, तो लगभग 3 गुना पावरफुल थे मौर्य, ठीक, इनके पास 3 गुना पावर थी। इसी के चलते चलते इतना भारी जो साम्राज्य है नंद वंश, उसको ये हरा पाए थे। अब बात आ जाती है कि इतनी बड़ी सेना का खर्चा आखिर वहन कैसे किया जाएगा, वहन कैसे किया जाएगा, कौन उठाएगा इतनी बड़ी सेना का खर्चा। तो ऐसा लगता है कि जितनी भी आर्थिक गतिविधि हो रही हैं, आर्थिक गतिविधि मतलब कोई भी ऐसा काम, आज के टाइम में हम आर्थिक गतिविधि किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें पैसे का लेन देन होता है, पैसे से रिलेटेड जितनी भी गतिविधि है वो सब आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि अब इनको चाहिए पैसे की व्यवस्था, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा इनको मेनली टैक्स से, और इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो किसान खेती कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन हमारे पास जो खाली जगह पड़ी हुई है उसमें भी किसान, नए 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 किसानों को लेकर के जाना, उनसे खेती करवाना, सिंचाई की व्यवस्था करवाना, जब तक ज़्यादा अन्न पैदा नहीं होगा तब तक ज़्यादा टैक्स हमारे पास नहीं आएगा, ऐसी व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में करी गई थी। इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य ने किसान और मजदूरों की सहायता लिया, नई जमीनों को खेती के लिए उपयुक्त बनाना। इसके लिए ये जो नई जमीन है, यहाँ पर किसानों को बसाया गया और इनसे अच्छा खासा राजस्व के रूप में टैक्स लिया गया। ऐसा हमें लगता है कि जितना भी ये किसान उत्पादन करते थे उसका चौथाई हिस्से से छठा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। अब कुछ किसान ऐसे हैं जिनको सिंचाई की व्यवस्था मिल जा रही है, तो उनसे भी टैक्स लिया जाएगा।
मतलब जिन लोगों के द्वारा राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है उन्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जब आपातकाल आता था उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य कहता था कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। इसके अलावा यदि हम देखें कि मार्केट में कोई चीज़ बेचने के लिए लाया गया है, बिक्री के लिए नगर में लाई गई वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता था। इसके अलावा कोई यदि इनके नगर में प्रवेश कर रहा है तो उस टाइम में भी प्रवेश द्वार पर वसूली की जाती थी टैक्स की। इसके साथ साथ आप देखेंगे राज्य को खनन, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण में एक अधिकार प्राप्त था। मतलब तीन चीज़ें ऐसी हैं जैसे खनन का काम, शराब की बिक्री और हथियारों का निर्माण सरकार ही करेगी, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेन मेन चीज़ है, ठीक है, यहाँ से संसाधन, यहाँ से जो रुपया पैसा है वो सब चंद्रगुप्त मौर्य के पास ही आता था, जैसे कि खनन से, इसके अलावा शराब की बिक्री से, इसके अलावा हथियारों के निर्माण के ऊपर इन्होंने एक अधिकार कर लिया था।